नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक के बाद एक जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं पेंशन भोगियों के हक में, उनको देखते हुए अब ये लग रहा है कि अब सरकार नहीं, पेंशन भोगियों का जो कल्याण है वो कोर्ट के माध्यम से होगा। क्योंकि आज मैं जिस फैसले की बात कर रहा हूँ वो गजब फैसला है दोस्तों। वो एक ऐसा फैसला है जिससे पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। और दोस्तों, उसके जजमेंट की कॉपी रक्षा मंत्रालय को दे दी गई है तथा पीसीडी इलाहाबाद को भी दे दी गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कोर्ट ने बैंक पर ठोका 50,000 रुपए का जुर्माना। दोस्तों, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जिनको इस तरह के जजमेंटों की या और किसी लेटर्स की कॉपियां चाहिए, वो अपने अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स बॉक्स में डाल दे, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और सारी कॉपियां उनको उनके व्हाट्सएप पे दे दिया करूंगा। क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स हैं जो लिंक से कॉपी डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं अब अपने व्यूवर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको उस पर मैं कॉपियां दिया करूंगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं क्या है फैसला और कैसे हुई पेंशन भोगी की बल्ले बल्ले। दोस्तों, आज का जो ये फैसला है ये बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की तरफ से आया है, जो कि श्री नैनी गोपाल सन ऑफ धीरेन्द्र मोहन रॉय वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन इलाहाबाद जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा के बीच लड़ा गया और जजमेंट डिक्लेयर किया गया दोस्तों 20 अगस्त 2020 को। अब मैं आपको इसकी मुख्य मुख्य बात बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि ये जो पेंशन भोगी है 1 अक्टूबर 1994 में पेंशन आए थे, उस समय इनकी जो पेंशन फिक्स हुई थी वो हुई थी 1334 रुपये। उसके बाद इनकी जो पेंशन फिक्स हुई 5th pay commission, 6th pay commission और 7th pay commission के हिसाब से एट द एंड 1 जनवरी 2016 से 25,634 रुपये। और दोस्तों, बैंक ने बिना कुछ बताए अगस्त 2019 में 25,634 से इनकी पेंशन घटाकर 25,250 रुपये कर दिया और 1 जनवरी 2016 से लेकर अगस्त 2019 तक इनके ऊपर 3,69,035 रुपये की रिकवरी के लिए इन्होंने 11,400 रुपये हर महीने काटना शुरू कर दिया, जिसके क्लेरिफिकेशन के लिए पेंशन भोगी ने आरटीआई का सहारा लिया और 1 सितंबर 2019 को आरटीआई के माध्यम से इनको बताया गया है कि 2015-16 और 16-17 में जो आपकी पेंशन का रिवीजन हुआ था उसमें आपको एक्सेस अमाउंट में पेमेंट हो गया, उसकी रिकवरी है 3,69,035 रुपये। दोस्तों, इसके बाद पेंशन भोगी ने इनके डिसीजन को, इनके एक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट में इनका मैटर अच्छे से डिस्कशन हुआ, अपनी अपनी तरफ से दोनों की तरफ से दलीलें दी गईं। सारी हियरिंग होने के बाद कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर पास किए इस संदर्भ में। पहला ऑर्डर, बैंक जो तीसरा रेस्पोंडेंट था इस केस में, उसको बताया गया कि 11,040 रुपये जो आप डिटेक्ट कर रहे हैं उसको कैंसिल किया जाता है, उसको खारिज किया जाता है। और कोर्ट ने अपने दूसरे ऑर्डर में बैंक को कहा कि इमीडिएटली तुरंत 3,27,045 रुपये जो पेंशन भोगी से आपने रिकवर किए हैं उनको आप 18% पर एनम ब्याज के साथ इंडिविजुअल को पे करेंगे, यानी कि वो पेंशन भोगी को आपने तुरंत पे करना है। तीसरे ऑर्डर में कहा कि बैंक को रेस्ट्रेंड किया किसी भी रिकवरी करने से, कोई भी अमाउंट उनसे नहीं लिया जाएगा, जिसको सबको उन्होंने कोर्ट ने खारिज कर दिया। चौथे ऑर्डर में बैंक को कहा कि कंपेंसेशन के तौर पर 50,000 रुपये आपने पेंशन भोगी को देने हैं और ये सभी अमाउंट विद इन 8 डेज आपको पेंशन भोगी के खाते में डिपॉजिट करने हैं। अगर इसमें आप फेल होते हैं तो पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। और दोस्तों, पांचवें आदेश में बताए कि जजमेंट की जो कॉपी है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग पेंशन सेंटर्स, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक के, उन सबको इसकी कॉपी दी जाए।
ताकि भविष्य में पेंशन भोगियों के साथ ऐसा कुछ ना हो। तो दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा जो पेंशन भोगी के हक में फैसला आया, ये थी उस संदर्भ में जानकारी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।